जिन लोगों ने थंबनेल देखकर वीडियो पर क्लिक करा है तो प्लीज यह वीडियो पूरी देखें। यह दिल को सुकून देने वाली वीडियो है जिस आसिल्प की अमित शाह के बुलडोजर ने दुकान और घर तोड़ दिया था, अब उसकी हैदराबाद के एक संगठन ने करी है 6,50,000 की मदद। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखे। आसिफ क्या माँ तकलीफ में है? कोई बात है, कोई बात है जान, तकलीफ में बेचारा। हाँ कोई बात नहीं बेटा, फिर अपन बना लेंगे महल। क्या फिर बना लेंगे? नहीं बेटे, नहीं रोना, नहीं रोना, आ जाओ नहीं रोना, कपड़े भेजना। हेलो हेलो, तुम अच्छे कपड़े। आपको बता दें, अभी जहांगीरपुरी इलाके में रामनवमी के जुलूस के दौरान जो हुआ था, उसके बाद गरीब मुसलमानों की दुकानों और घरों पर बुलडोजर चलाई गई थी। उसी में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई थी, जिस तस्वीर में 8 साल का बच्चा आसिफ दुकान टूटने के बाद गुलाब से नीचे गिरे पैसे जमीन से बीन रहा था। वहीं जब यह तस्वीर हैदराबाद के मुस्लिम संगठन H22C ने जब यह देखा तो वो तुरंत हैदराबाद से दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उसी छोटे बच्चे आसिफ के घर पहुँच गए। फिर उन्होंने आसिफ के साथ क्या करा, वीडियो देखे। आसिफ क्या माँ तकलीफ में है? कोई बात है, कोई बात है जान, तकलीफ में बेचारा। हाँ कोई बात नहीं बेटा, फिर अपन बना लेंगे महल। क्या फिर बना लेंगे? नहीं बेटे, नहीं रोना, नहीं रोना, आ जाओ नहीं रोना, कपड़े भेजना। हेलो हेलो, तुम अच्छे कपड़े खरीदना, तुम ठीक है, कपड़े अच्छे खरीदना। हेलो ये मेरे तरफ से, तो हथियार रख लो। हेलो अच्छा कपड़े खरीदो, तुम ले लो आसिफ। हम मेरो ना बेटे, मेरो ना, हमारा तुम्हारे लिए। आपको बता दें, आसिफ से मिलने बाद H22C ने 24 घंटे के अंदर ही अपने संगठन से 6,50,000 रुपए जुटाकर आसिफ और उसके परिवार को दे दिए। जो भी आसिफ के परिवार का नुकसान मोदी सरकार ने करा था, उसे इन भाइयों ने एक दिन के अंदर ही सारे नुकसान की भरपाई कर दी। आप तस्वीर में देख सकते हैं, पहली तस्वीर में आसिफ दुकान टूटने की वजह से बहुत उदास है और दूसरी तस्वीर में देखे जब H22C ने मदद कर दी तो आसिफ नए कपड़े पहनकर सर पर टोपी लगाकर माशा अल्लाह काफी खुश नजर आ रहा है। हम सलाम करते हैं हैदराबाद के संगठन H22C और उसके अध्यक्ष सलमान खान H22C का। और अगर आप लोग भी H22C संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो उनके फेसबुक पेज को लाइक करें और उनकी मदद करें, क्योंकि पहली बार भारत में मुसलमानों के लिए कोई संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।